खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉल की दूरी के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें प्रधानमंत्री ने किसानों से कहा था कि किसान अगर सरकार के प्रस्ताव को मानते हैं तो किसान एक कॉल करें। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि इतने दिन पहले प्रधानमंत्री ने बयान दिया था किसान दिल्ली में बैठे हैं, अगर बातचीत करनी है तो किसानों को बुला लें। किसानों का आंदोलन जारी है, सरकार और किसानों के बीच अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। पीएम मोदी ने किसानों को संदेश दिया था कि किसान हमसे सिर्फ एक कॉल दूर है। इसे लेकर गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि किसान इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि ना तो किसान मान रहे हैं और ना ही मोदी जी मान रहे हैं। हम तो कहते हैं कि कानून जब तक वापस नहीं होता तब तक हम नहीं मानेंगे। 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, सरकार हठधर्मी पर अड़ी हुई है। अब ना तो मोदी जी मान रहे हैं ना हम मान रहे हैं। हम तो ये कहते हैं जब तक मानेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं, और वो ये सोच रहे हैं कि जब तक ये शांतिपूर्वक चलाएंगे तब तक तो हम मानेंगे नहीं। तो ये है, आज तक करीब 200 लाशें हमारे किसानों की जा चुकी हैं। आज भी एक किसान सवेरे सवेरे फिर डेथ होगी, कल एक किसान फांसी ले गया। तो लेकिन सरकार अभी तक हठधर्मी पर अड़ी हुई है और किसी तरह की जो है वो नहीं मानने पर राजी है। लेकिन किसान जो है वो पूरे देश में जागृत हो चुका है और जब तक नहीं मानेंगे उठने वाले हम भी नहीं। साथ ही कृषि मंत्री के राज्यसभा में दिए बयान में कि इन कानूनों में काला क्या है पर भी निशाना साधा। वहीं राकेश टिकैत ने सरकार को अक्टूबर तक अल्टीमेटम दे दिया है। सिरसा से टोटल न्यूज के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।